Dear students, good morning. Now we are on the exercise of second chapter, Nina and the Baby Sparrows. And first heading is reading is fun. First heading is reading is fun. Okay. And question one is, why was there great joy in Nina's house? कि नीना के हाउस में बहुत खुशी का माहौल क्यों था, बहुत खुशी क्यों थी. आंसर, देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज हर आंट वॉज गेटिंग मैरिड एंड हर फैमिली मेम्बर्स वर गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग. कि यहाँ पर खुशी थी नीना के घर में, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी थी नीना के घर में क्योंकि उसकी मौसी की शादी थी, होने जा रही थी. एंड हर फैमिली मेम्बर्स, और उसके सभी फैमिली मेम्बर्स जा रहे थे दिल्ली वेडिंग के लिए, शादी के लिए, इसलिए खुशी का माहौल था. वाई वॉज नीना वरिड, नीना किस बात से चिंतित थी, चिंता में क्यों थी. वाई वॉज नीना वरिड मतलब चिंतित क्यों थी. आंसर, मतलब उसको किस चीज़ की चिंता हो रही थी ये पूछ रहे हैं एक्चुअली. नीना वॉज वरिड, नीना चिंतित थी बिकॉज ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर गोइंग फॉर ए मैरिज. बिकॉज क्योंकि ऑल द फैमिली मेम्बर्स, सभी फैमिली मेम्बर्स वर गोइंग जा रहे थे फॉर ए मैरिज, एक शादी के लिए. सो देयर हाउस वुड बी लॉक्ड, इसलिए क्या हो जाएगा, उनका घर लॉक हो जाएगा. ठीक है. देन हाउ द पेरेंट्स ऑफ द बेबीज वुड फीड देयर चिल्ड्रन, तो कैसे जो बेबीज हैं, बेबी स्पैरो हैं, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को, देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएंगे. ठीक है. इसलिए वो चिंतित थी, मतलब जो बेबी स्पैरो हैं वो भूखे रह जाएंगे अगर वो शादी में जाएंगे तो, इसलिए वो चिंता में थी. वट डिड द मदर सजेस्ट, उसकी माँ ने क्या सजेशन दिया. अब उसकी चिंता को देख के उसकी माँ ने उसको क्या सजेस्ट किया, ये देखिए. आंसर, मदर सजेस्ट दैट दे विल लेट द विंडो ओपन. मदर ने सजेस्ट किया ईडी लगा देना है, पास्ट टेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन वट डिड, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, ईडी और लगेगा. ठीक है. मदर सजेस्टेड दैट, मदर ने सजेस्ट किया कि वे, दे मिस वे, विल लेट द विंडो ओपन, कि वो विंडो खुली छोड़ देंगे. किसके लिए, फॉर द पापा एंड मामा. किसके लिए, के लिए, फॉर का मतलब यहाँ पे के लिए होता है. ठीक है. पापा और मम्मा के लिए, जो कौन से पापा और मम्मा, स्पैरोज जो पापा मम्मा थे. ठीक है. मतलब स्पैरो मामा और स्पैरो पापा. एंड लॉक रेस्ट ऑफ द हाउस, और बाकी घर को, जो बाकी घर है उसको लॉक कर देंगे. ठीक है. ऐसा किया उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग. कि नीना को क्या मिला जब वो वेडिंग से वापस आई. ठीक है. तो देखिए, व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द मैरिज, जब नीना शादी से वापस आई, सी फाउंड, उसने पाया कि, दैट मीन्स कि, टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज, दो मोटे छोटे, मोटे थे और छोटे थे लेकिन, स्पैरोज चिड़िया थी वो छोटी, वर फ्लाइंग इन हर रूम, उड़ रही थी उसके रूम में, ये पाया उसने. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.